हाय, मेरा नाम है तनाका मिनोरू और आप मेरी ही कहानी सुन रहे हैं। अब अभी तक आप देख रहे होंगे कि इस पूरे वर्ल्ड में यही बात हो रही है कि ये नोटबुक किसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सारे वर्ल्ड लीडर उस डेट नोट को क्यों खरीदना चाहते हैं इसके ऊपर भाषण दे रहे हैं और यही देख देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है और इसीलिए मैंने एक और मैसेज सेंड करवाया। पूरे वर्ल्ड में जितने भी लीडर्स हैं, अगर वो नोटबुक खरीदना चाहते हैं तो बस अमाउंट के बारे में बात करें, फालतू की बकवास नहीं। खैर, मैंने बताया था ना कि इस एल को बहुत मजा आ रहा है, ये सिर्फ उसके लिए गेम है और वो बस बैठ के तमाशा देख रहा है। और यहाँ वर्ल्ड मीडिया सारे लीडर्स के पीछे पड़ी है कि ये नोटबुक को खरीदना सही है भी या नहीं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, सुनिए प्लीज, क्या आपको नहीं लगता कि सारे वर्ल्ड के लीडर्स को बात करनी चाहिए कि इस नोटबुक को ना खरीदें? इस तरह की बेफिजूल की स्टेटमेंट देकर हम खुद को ही बेवकूफ बनाएंगे। सबको पता है कि अंत में कोई ना कोई गवर्नमेंट इस नोटबुक को खरीद ही लेगी और जो गवर्नमेंट इस नोटबुक को खरीदने के लिए मना कर रही है वो भी अंत में यही चाहती है कि वो नोटबुक खरीद ले। हम मैं अगले दिन स्कूल गया और यकीन मानो इंटरनेट और टीवी से ज़्यादा न्यूज़ तो मुझे अपने क्लासमेट से पता चल जाती है। वहाँ दुनिया की सारी न्यूज़ मिलती है, जैसे बिल अब तक 1 क्वाड्रिलियन येन तक पहुँच चुकी है और किसी ने बताया कि जापान में अगर किसी को इतने पैसे मिलते हैं तो उसे इतना टैक्स देना पड़ेगा जिससे जापान के सारे एक्सपेंसिव पूरे हो जाएंगे। कमाल है ना। खैर, अब वक्त था ये सब खत्म करने का। हे रियो, कल मैं ऑक्शन खत्म करने वाला हूँ। ओह, बढ़िया है। एक बार मुझे पैसे मिल जाएं तो मैं इस नोटबुक की ऑनरशिप को छोड़ दूंगा और तुम ये नोटबुक डिलीवर कर देना उस बायर को। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं बस थोड़े और एप्पल लेने के बारे में सोच रहा था, पर मैं इसके बारे में भी एक्साइटेड हूँ। हे एल, तुम्हें क्या लगता है ये कीड़ा किस तरह 1 क्वाड्रिलियन येन मनी को रिसीव करेगा? ये नामुमकिन है। इतने सारे पैसों को चेक या कैश में लेना, वो जरूर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाएगा, पर फिर भी इतने सारे पैसों को एक अनजाने अकाउंट में लेने के बाद भी तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हारा प्लान क्या है कीरा? ऑनलाइन बैंकिंग, वो भी इतने सारे पैसों की एक ही अकाउंट में, फिर तो वो कीरा आसानी से पकड़ा जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम उसे पकड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि वो नोटबुक किसी इंसान की सोच को 23 दिन के लिए बदल सकती है, पर वो किसी इंसान की पैसों के लिए लालच की सोच को नहीं बदलती। और अगर कीरा के लिए पैसा ही सब कुछ था तो इस ऑक्शन को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर उसे पैसे ही कमाने तो बहुत से आसान रास्ते थे इस नोटबुक से पैसे कमाने के, पर कीरा ने ऐसा नहीं किया। यानी हमारा कीरा पैसों के लिए किसी को मारना नहीं चाहता। तो मेरा मानना ये है कि कीरा एक किलर नहीं बनना चाहता था, तो उस नोटबुक को इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं बनता। और अब जब उसे नोटबुक चाहिए ही नहीं थी तो वो उसे पीछा छुड़वाएगा और इसका एक आसान सा रास्ता ये है कि वो उसे बेच देगा। अब सब कुछ समझ में आ रहा है, कीरा क्या चाहता था मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वो सिर्फ चेक कर रहा है लोगों को कि लोग इसके लिए कितना पैसा दे सकते हैं, पर अब वो इसके बारे में सीरियस है। तो यानी कि पैसे को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, शुरुआत से उसके पास इसका प्लान था। अर्मोनिया जस्टिस, आप यहाँ कैसे? तुम्हें सिनिगामी किंग ने बुलाया है, जितनी जल्दी हो सके इस ह्यूमन को छोड़कर उनके पास आ जाओ। पर क्यों बुलाया है? मुझसे मत पूछो, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। तो अब ये सब खत्म करने की बारी थी और अब वक्त था एक और मैसेज पहुँचाने का कि ये नोटबुक किसको मिली। तो मैंने वही किया। कीरा की पावर को बेचा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पूरे $10 ट्रिलियन में। पैसों को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा ये अगले 24 घंटे के अंदर बता दिया जाएगा। अब ये सुनकर तो सारी दुनिया में तहलका मच गया। चाइना तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये पावर्स कीरा की अमेरिकन को मिले, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। जापानीज के लोग तो फिर भी खुश थे कि ये चाइना की जगह अमेरिकन को मिला, पर एल और उसके साथी तो कुछ और ही सोच रहे थे। तो अब हमें अपने प्लान के मुताबिक अपनी ही गवर्नमेंट से ये नोटबुक सीज करनी होगी। वेल, अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो प्लीज अकेले ही करना। अकेले करना मतलब? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं अब अमेरिका में रहता हूँ और उसी देश की गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों जाऊँगा? तुम मतलब ही हो गए हो एल। वैसे ओरिजिनल एल भी ऐसा ही था। हाँ मुझे पता है, और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब सबको पता है डेथ नोट किसके पास है, तो उसका इस्तेमाल करना ज्यादा मुश्किल होगा। और वैसे भी यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि कीरा इतने सारे पैसों का ट्रांजेक्शन कैसे करवाएगा। बिल्कुल सही, हमारे पास यही एक लास्ट चांस है नोटबुक और कीरा को पकड़ने का। क्या तुम समझे कि कीरा ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए 24 घंटे क्यों बोला है? क्योंकि जापानीज टाइम के मुताबिक कल फ्राइडे है और 24 घंटे के हिसाब से जापान में शाम के 6 बजे होंगे, तो यानी 3 दिन काफी होंगे सब कुछ शांत होने में। अरे हाँ, फ्राइडे,
बैंक्स वीकेंड के लिए 3 दिन तक बंद होंगे। शिट, पर तुम्हें नहीं लगता जापानीज के एक अकाउंट में इतने सारे पैसे ट्रांसफर करवाना, ये तो ऐसा है जैसे वो खुद को पकड़वाना चाहता हो। ये 1 quadrillion yen है, एक एवरेज जापानीज की सारी जिंदगी इनकम 300 मिलियन होती है ज्यादा से ज्यादा। अगर कीरा इससे बच निकला तो यकीन मानो वो सारी दुनिया में सबसे स्मार्ट होगा। और अब अगले दिन मुझे एक आखिरी मैसेज और सेंड करना था और उसके बाद मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। और सच बताऊं, जो होने वाला है ना उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जीते हुए सभी पैसों को 27 मई तक डिपॉजिट करा दिया जाना चाहिए और उन सभी पैसे को इक्वली यूत्सुवा बैंक ऑफ जापान के उन सभी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कराना है जिनका रजिस्टर्ड एड्रेस टोक्यो का हो और उनकी उम्र 60 साल से कम हो। अब ये मैसेज जैसे ही आया सारे जापान में फैल गया और टोक्यो के लोग तो बस यही कैलकुलेट कर रहे थे उनके हिस्से में कितने पैसे आने वाले हैं। और जब सबको पता चला कि अगर 1 million अकाउंट में भी पैसों को डिवाइड किया जाता है तो हर एक के हिस्से में 1 billion yen मिलेंगे, मेरी मॉम तो पागल हो गई थी ये सुनकर। हे मिनोरू, तुम्हारा भी तो सेविंग अकाउंट यूत्सुवा बैंक में है? हाँ है तो मॉम। हे भगवान मिनोरू, हम अमीर हो गए। अब हर कोई चिल्ला रहा था कीरा की जय हो, कीरा हमारा भगवान है, हम अमीर हो गए। लोगों की तो भीड़ लग गई थी यूत्सुवा बैंक के सामने। हर कोई बस यही चाहता था कि किसी तरह यूत्सुवा बैंक में उनका अकाउंट खुल जाए और उन्हें किसी तरह पैसे मिल जाए। और अब एल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। 60 साल से कम, हाँ मैं जानता था ये कीरा कोई जवान ही होगा। पर भले ही उसने एज लिमिट लगाकर अपने पैसे अकाउंट में बढ़ा लिए हो, पर हमारे पास पॉसिबल टारगेट कम है। भले ही पॉसिबल टारगेट कम हो पर हम यहाँ बात कर रहे हैं हजारों बैंक अकाउंट की। एल, हाँ मुझे पता है। और जैसे ही 3 दिन बीतेंगे कीरा भी भूल चुका होगा कि वो कभी कीरा था और फिर उसे पकड़ना नामुमकिन होगा। क्या बात है, एक मास्टर प्लान। एल बनने के बाद आज पहली बार मैं हार मानता हूँ, ये सच में कमाल का प्लान था। और फिर 27 तारीख मंडे को US ने यूत्सुवा बैंक में $10 trillion सेंड करवा दिए। गुड मॉर्निंग फॉक्स, हम आपके लिए ताज़ा खबर लाए हैं। अमेरिका ने $10 trillion यूत्सुवा बैंक में सेंड करा दिए हैं और अब हर कोई अपना पैसा निकालना चाहता है, इसलिए बैंक के सामने बहुत भीड़ लगी है। बैंक के सामने ज्यादा भीड़ न लगे इसलिए बैंक ने कड़े कदम उठाए हैं। बैंक ने अनाउंस करा दिया है कि कस्टमर हर दिन के सिर्फ 1 lakh yen ही निकाल सकते हैं और बाकी की डिटेल्स आपको यूत्सुवा बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो मैं 1 महीने तक अपना बैंक अकाउंट चेक नहीं कर पाऊंगा, पर खैर डील के मुताबिक उन्होंने पेमेंट कर दी तो ये लो रियो, ये नोटबुक लो और यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को ये नोटबुक दे दो। ठीक है तो अब सब खत्म। हाँ अब सब खत्म, तुम्हारा शुक्रिया। और अब मैं इस नोटबुक की ऑनरशिप को छोड़ता हूँ और तुम मेरे पास दोबारा कभी भी किसी भी रीजन के लिए मत आना। मैं अब सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी बस आराम से जीना चाहता हूँ। अब मुझे इस डेंजरस नोटबुक से कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है, मुझे नहीं पता था तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है। तुमने इस नोटबुक का अच्छा इस्तेमाल किया, बिना इसमें कुछ लिखे वो सब कमाल का था मिनोरो, तुम्हारे साथ मजा आया। अब मैं ये तुम्हें वापस देता हूँ रेयो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। व्हाइट हाउस, ये लीजिए, अब ये आपकी है। पर मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ आने से पहले शिनिगामी किंग ने मुझे बुलाया था और वो मुझ पर बहुत गुस्सा थे। उन्होंने कहा कि कैसे मैं डेथ नोट को ह्यूमन वर्ल्ड में बिकने दे सकता हूँ। तो अब एक नया रूल ऐड किया गया है कि जो भी ह्यूमन डेथ नोट को बेचेगा या खरीदेगा तो सेलर और बायर दोनों ही मारे जाएंगे। क्या क्या बकवास है ये। हाँ ये एक नया रूल है, तो यानी तुमने सारे पैसे सिर्फ मरने के लिए दिए हैं। पर हाँ, अगर तुम डेथ नोट को लेने से मना कर देते हो तो मैं ये मान लूंगा कि तुमने इसे खरीदा ही नहीं और तुम बच जाओगे। पर अब तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं मिलने वाले। तो अब तुम ये नोटबुक लेते हो तो तुम मर जाओगे, पर ये नोटबुक यहीं रहेगी और फिर तुम्हारे बाद जो हाईएस्ट पोस्ट पर होगा ये नोटबुक उसे मिल जाएगी। तुम मर जाओगे पर ये नोटबुक तुम्हारे देश की ही रहेगी। तो क्या सोचा तुमने? मैं इसे नहीं लेने वाला। तुम्हें अपनी जिंदगी अपने देश से ज्यादा प्यारी है। हाँ पर मैं अनाउंस कर दूंगा कि मुझे कीरा की पावर मिल गई है, पर मैं दुनिया की भलाई के लिए उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस तरह मैं मरूंगा भी नहीं और मुझे एक महान प्रेसिडेंट मान लिया जाएगा। क्या बात है मिस्टर प्रेसिडेंट, बहुत खूब। पता है
कभी कभी ज्यादा स्मार्ट होना भी बेवकूफी होती है, और यही मेरे साथ हुआ। अब मैं क्या करूं? मिनोरू को तो पता ही नहीं इस नए रोल के बारे में, पर उसने ही कहा था कि मैं किसी भी रीजन के लिए उसके पास ना आऊं। खैर कितने शर्म की बात है, उसका प्लान वाकई में बहुत अच्छा था, पर जो भी डेथ नोट को इस्तेमाल करेगा उसका अंत तय है। बस यही था मेरा अंत, सारे पैसे, सारी प्लानिंग सब यहीं रह गई। मेरी मौत के कई घंटों तक मैं वही था। आशा करता हूँ आपने मेरी इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा कि हमें कभी कभी वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा हो, क्योंकि उन्हीं वजह से हम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं, और मेरे केस में तो हम अपनी मौत का कारण बन जाते हैं। गुड बाय।